नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राउरकेला स्टील प्लांट की नई प्लेट मिल की क्वालिटी सर्कल टीम के उद्यमी प्रयासों से उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान समारोह के द्वितीय दिवस में 497 विद्यार्थियों को 10.04 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान। और RSP ओपन स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में भिड़ने के लिए टीमें तैयार। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला स्टील प्लांट RSP के न्यू प्लेट मिल तेजस क्वालिटी सर्कल टीम के उद्यमी प्रयासों से उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। टीम ने रीहीटिंग फर्नेस के मिक्स्ड गैस प्रेशर की विश्वसनीयता के सुधार पर काम किया। विशेष रूप से न्यू प्लेट मिल में मिक्स्ड गैस के प्रेशर में लगातार उतार चढ़ाव देखे जा रहे थे। ये उतार चढ़ाव प्लेटों के उत्पादन को प्रभावित कर रहा था, साथ ही मिल की उपलब्धता में भी कमी हो रही थी। टीम ने विभिन्न QC टूल्स का उपयोग करते हुए मुख्य गैस कंट्रोल प्रेशर वाल्व में समस्या के मूल कारण की पहचान की। एक विस्तृत योजना तैयार की गई और टीम ने उत्पादक को प्रभावित किए बिना मिक्स्ड गैस प्रेशर कंट्रोल वाल्व को बदलने में सक्षम हो गई। इस प्रयास से प्रति माह 47 लाख रुपये की बचत सुनिश्चित हुई है। टीम में उपप्रबंधक न्यू प्लेट मिल श्री अभिजीत पटनायक के नेतृत्व में अन्य सदस्य थे श्री दीपक साहू OCT, श्री गोपबंधु बेहरा OCT, श्री शीर्षानंद दास SOST इंस्ट्रूमेंटेशन के श्री विघ्नेश साहू OCT इंस्ट्रूमेंटेशन से श्री विश्वजीत मजुमदार OCT शामिल थे। गौरतलब है कि टीम ने वर्ष 2018 में ग्वालियर में नेशनल कन्वेक्शन ऑन क्वालिटी कॉन्सेप्ट NCQC के में पार उत्कृष्टता पुरस्कार जीता था। इस टीम के 3 सदस्य अर्थात श्री दीपक साहू, श्री गोपबंधु बेहरा और श्री शीर्षानंद दास ने इसी प्रोजेक्ट के लिए अगस्त 2019 में CII द्वारा आयोजित 19वें राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार भी जीता था। टीम ने हाल ही में आयोजित CCQC 2019 में स्वर्ण पुरस्कार जीता है। सेल राउरकेला स्टील प्लांट RSP द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति प्रदान समारोह के द्वितीय दिन में नुआगांव, बिसरा, कुआरमुंडा और लाठीकट्टा राजस्व ब्लॉक के पार्श्वांचल गांव, मॉडल इस्पात ग्राम, पुनर्वास कॉलोनियों, शिविरों के 41 हाई स्कूल और 34 ME स्कूल के 497 विद्यार्थियों को 10.04 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। नगद पुरस्कार RSP के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के तहत प्रदान किया गया। महाप्रबंधक प्रभारी CSR श्री PM बेहरा, महाप्रबंधक प्रभारी PHS एंड SW श्री BK राउत, महाप्रबंधक CSR श्री MV अप्पा राव ने 26 अक्टूबर को विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार प्रदान किया। प्रत्येक स्कूल के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक लड़कों और लड़कियों को 3,000 रुपये, जबकि द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को प्रत्येक 2,000 रुपये एवं 1,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। एक अनूठी पहल में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के साथ पौधे भी भेंट किए गए। उल्लेखनीय है कि 25 अक्टूबर को आयोजित उद्घाटन समारोह में पांचवचल गाँव के 79 ME स्कूल के कक्षा 6 से 8 तक 521 विद्यार्थियों ने नगद पुरस्कार प्राप्त किए थे। RSP के कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह ने अन्य गणमान्यों के साथ विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किया।
उप महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा ने दोनों दिनों के मुख्य संचालक थे। वरिष्ठ फील्ड सहायक श्री बेनेडिक एक्का ने पुरस्कार वितरण समारोह का संचालन किया। RSP ओपन स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट 2019 के अपने अंतिम चरण के फाइनल में पहुंचने वाले सीनियर और जूनियर दोनों श्रेणियों में 27 तारीख को फाइनल में भिड़ने के लिए टीमें तैयार हैं, जिससे दो रोमांचक टीमों को फाइनल में देखा जाएगा। सीनियर्स ग्रुप में स्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 या केंद्रीय विद्यालय मंडा मुंडा सेंट पॉल या रेलवे मिक्स्ड हाई स्कूल बंडा मुंडल से मिलेंगे, जबकि जूनियर ग्रुप में सेंट पॉल का खेल हमीरपुर हाई स्कूल या साई वैली स्कूल से होगा। उल्लेखनीय है कि स्पात स्टेडियम में खेले जा रहे टूर्नामेंट का उद्घाटन 21 अक्टूबर को किया गया था। सीनियर वर्ग में 13 टीमों ने भाग लिया, जबकि जूनियर वर्ग में 9 टीमें मैदान में थी। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। दीपावली के पूर्व संध्या में आप सभी को दीप उत्सव की हार्दिक बधाइयाँ। नमस्कार।